इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं। एक टाइम था जब मजबूरी में 4-5 बजे सोने जाते थे एंड आज मजबूरी में 4-5 बजे उठ के शिफ्टों में जाना पड़ रहा है। बट हाँ, खुशी इस बात की है कि उस टाइम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे एंड आज सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज हम सब एक ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं आपको आज अपना पूरा दिन दिखाने वाला हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट की एक लाइफ का। एंड टुडे इज संडे, आई एम गोइंग फॉर माय फोकलिफ्ट जॉब। इट्स मॉर्निंग 6 AM एंड यूजुअली आई एम डूइंग मॉर्निंग जॉब्स ओनली राइट नाउ एंड मैनेजिंग माय कॉलेज आल्सो विद इट। सो अभी मेरी बस है 6:15 की एंड आई एम गोइंग फॉर माय बस राइट नाउ एंड लेट्स गो। पूरा डे शेयर करूँगा आपके साथ कि मैंने क्या किया, अपनी वेयर हाउस जॉब भी शेयर करूँगा एंड अपनी स्टडी भी शेयर करूँगा जो भी मैं शाम को आगे करूँगा। सो होप यू गाइज एन्जॉय एंड लर्न फ्रॉम दिस व्लॉग हुअर इज़ कमिंग टू कैनेडा, बिकॉज बहुत सारी रियलिटीज़ होती है कैनेडा की जो नहीं पता होती। सो इसलिए मैं ये डेली व्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो आई गॉट अ बिट लेट एंड अभी कुछ 7 बज रहे हैं, मेरी शिफ्ट 6:30 की थी। सो अभी उबर करनी पड़ी है यहाँ से, मतलब मेरे घर से बहुत दूर था एक्चुअली ये वाला संडे वाला काम, मेरा 1.5 आवर है बस से। सो अभी मैं हाफ वे आ गया हूँ एंड हाफ वे मैं उबर करा रहा हूँ। तो फाइनली इन द वेयर हाउस एंड अभी अपन जा रहे हैं डॉग स्टॉकर पकड़ने अपनी मशीन। लेट्स सी। अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड हमारी पहली ब्रेक हो चुकी है डन। बेसिकली ये वेयर हाउस ना मैं सिर्फ संडे कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर मैं सिर्फ डॉग स्टॉकर ऑपरेट करता हूँ। एंड जो दूसरा वेयर हाउस है मेरा, वहाँ पर मैं काउंटर बैलेंस एंड रीच ऑपरेट करता हूँ। एंड जहाँ पर मैं पहले काम करता था वहाँ पर रीच वॉकी सारी ऑपरेट करता था जब मैं फुल टाइम काम कर रहा था। तीन खत्म कर दो फिर जल्दी। हाँ जी भाई, बताओ फिर कैसा लगा आपको काम आज का? काम बढ़िया था, बस बात यही है कि अपना अपना हसल है, जो हसल करता है वो खुश रहता है। क्या बात है, सही बात है। ऐसी चढ़ाई होगी फोकलिफ्ट पे, ऐसी आएंगे सब। मैं जनरल लेबर करके ही निकले फोकलिफ्ट में। सही बात है, सही बात है ब्रो। स्टार्टिंग तो जनरल लेबर से होती है। हाँ, जनरल लेबर से फर्स्ट स्टेप है जनरल लेबर। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका चढ़ाई होगी। बस चढ़ाई होगी, बस बस हसल करते रहो एंड बस बाकी अपने सिमरन ब्रदर है। बाकी वीरा नु किदा लग्या फिर? हां जी बहुत देखो क्रू सही सीगा, बीच बीच करना ते पैना ही है। यस, काम कीता नहीं तो करना पे, वही करना पे। आ देख लो खिलाते हैं, बस कट्टे आई सी खिलाते हैं। चलो भरावा जल्दी जल्दी फोकलिफ्ट चढ़ जाओ फिर सारे। सो अभी कुछ बज रहे हैं दोपहर के 12:15 एंड हमारी ब्रेक हो चुकी है सेकेंड ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अभी आपने देख लिया होगा फोकलिफ्ट का वर्क एंड ऑल। थोड़ा सा कभी कभार बोरिंग हो जाता है, आज बिल्कुल भी काम नहीं है। सो मैं तो सिर्फ स्किड्स मूव कर रहा हूँ जो कि जनरल लेबर बना रही है अंदर ट्रेलर के, एंड मैं सिर्फ उसको मूव कर रहा हूँ। सो बस अब 2 घंटे ही रह गए और काम के, एंड उसके बाद 2:45 तक हमारा ओवर हो जाएगा। सो उसके बाद जाएंगे घर एंड देखते हैं घर जाके क्या करता हूँ मैं। कॉलेज एंड स्टफ एंड जिम पे जाना है आज। सो बेसिकली ये व्लॉग मैं पूरी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बना रहा हूँ कि कैसा रहता है एंड ऑल, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड इट इज़ नॉट ईजी यार, इट इज़ डिफ़िकल्ट सम वॉट, बिकॉज सुबह उठना एंड पूरे दिन ऐसे जाना एंड देन कॉलेज का भी असाइनमेंट्स वगैरह रहती है। सो बेसिकली इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ कि हाउ इट इज़ हेयर बेसिकली इन ब्रैम्पटन में। अगर आपको इतनी अच्छी इतने जल्दी या इतने इजीली सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो आपको वेयर हाउस जॉब्स करनी पड़ेगी, एंड मिल जाती तो योर लक इज़ गुड।
अदरवाइज सिंध के अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी है नहीं, एंड सिंध पे भी इतनी नहीं है मेरे ख्याल से। तो फोकलिफ्ट इज मच बेटर देन जनरल लेबर, बिकॉज जनरल लेबर में आपको नीचे घूमना फिरना पड़ता है एंड कई बार हैवी बॉक्सेस भी उठाने पड़ते हैं, बट इन फोकलिफ्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दिस। एंड फोकलिफ्ट से थोड़ा ईजी हो जाता है, बट फिर भी लाइक एक टाइम के बाद बंदा बोर होता ही होता है। तो अभी चलते हैं अंदर एंड कंप्लीट करते हैं अपना पूरा काम एंड उसके आगे का देखते हैं क्या बनता है। सो आई एम फाइनली बैक होम फ्रॉम द शिफ्ट एंड कल रात को मैं बहुत कम सोया, तो अभी बहुत नींद आ रही है मुझे, बट मैं अब सीधा रात को ही सोऊंगा, बिकॉज अगर मैं अभी सो गया तो मैं जिम नहीं जा पाऊंगा एंड मेरे को शाम को अपनी असाइनमेंट्स भी करनी है। सो अभी जिम जाएंगे, देन शाम को आके 5 बजे के आसपास, अभी कुछ बज रहे 3, शाम को 5 बजे के आसपास वापस आके अपनी असाइनमेंट करेंगे, जो कि कल शाम 6 बजे तक ड्यू है, बट कल मेरा फिर से काम रहेगा सुबह 8 से 5, तो कल तो नहीं हो पाएगी। सो मेरे को आज ही सबमिट करनी पड़ेगी वो असाइनमेंट एंड वीडियो भी एडिट करनी है। तो सो अभी लेते एक अच्छा सा शावर जो कि रिफ्रेश कर देगा पूरा एंड फिर चलते हैं जिम की तरफ। Dressed in all black and we cozy. Can't say you low, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz or catch my bitch. Ain't no vibe like this, don't rock like this. And you know we don't miss swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz or catch my I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Man's them moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl, it's that season. She wanna ride this all wheel drive, you don't gotta put no key in. We on a rise like emoji eyes, you know that they be praying. Stashing the guap, setting up shop. I got a plan, is you ready or not? Puffing this plant, rising my stock, force on my hand, they moving wide. Don't gotta scam. Finally, ek bahut hi acha workout leg ka, and I completed 270 lbs and leg press. बहुत ही अच्छा था आज का वर्कआउट एंड अभी आ चुके हैं हम अपने घर एंड अभी असाइनमेंट बची है मेरी मेन चीज़ एंड टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। इट्स बीन 8:30 PM इन नाइट राइट नाउ एंड बहुत शाम को कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया जिम जाने के लिए। मेरे रूम का डोर लॉक हो गया था अंदर से, की भी अंदर थी एंड उसके कारण बहुत टाइम वेस्ट हुआ। सो अभी फाइनली 8:30 PM मैं घर पहुँचाऊँ, अभी अपनी डाइट लूँगा जो भी चिकन ब्रेस्ट एंड ऑल एंड उसके बाद अपनी असाइनमेंट करूँगा। देन शायद पता नहीं कब तक होगी असाइनमेंट, आई डोंट नो, बट कोशिश करूँगा 1-2 घंटे में कंप्लीट करके 11, 11:30, 12 बजे तक सो जाऊँ, क्योंकि सुबह फिर से काम पे जाना है एंड 6 बजे उठना पड़ेगा सुबह फिर से। कल मेरा दूसरा काम है फोकलिफ्ट का। Passed and I've completed my assignment. It's been 12:30 AM and अभी बस सोऊंगा मैं, कंप्लीट कर दिए सबमिट करने हैं, बस चेंज वगैरह करके सोऊंगा एंड टमोरो इज गोइंग टू बी अनदर डे। सो होपफुली आपको आज का ये इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ वाला व्लॉग पसंद आया होगा एंड ऐसे व्लॉग्स और लाने वाला हूँ मैं ऐसे पार्ट में, और व्लॉग्स लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ के।
सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.